हेलो एवरीवन, एमपी जीके फास्ट रिवीजन सीरीज का हमारा ये पार्ट 4 है। टोटल करीब 500 के आसपास हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, और फास्ट एंड डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो ये पार्ट्स ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं इसको, तो ये सीरीज जो है हमारी, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। थ्योरिटिकल अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको एमपी जीके की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आप जाके देख लें, उसमें आपको थ्योरी के फॉर्म में भी ये मिल सकते हैं। क्वेश्चंस के फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में है। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है वन लाइनर्स के फॉर्म में चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, माचा किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है? तो ये माचा जो है ये मालवा का लोक नृत्य है। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो ये है आपका निमाड़ का लोक नाट्य। चकोरा नृत्य और सडोली प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जो कोरकू जनजाति है उसमें प्रसिद्ध है। बैतूल जिले के बालाजीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बालाजीपुरम का मंदिर है इसका निर्माण करवाया था स्वयं वर्मा ने। गोमट गिरी जैनों के तीर्थ स्थल कहां पर हैं? तो ये गोमट गिरी जैनों के तीर्थ स्थल हैं आपके इंदौर। अगला प्रश्न है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? तो ये बुंदेलखंड का जो पठार है वहां पर है आपकी सिद्ध बाबा की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के पढ़ाती सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? मतलब ये पढ़ाती नहीं है, सतपुड़ा के पठार की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर्स। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ जो है आपकी महादेव की पहाड़ियां जो हैं उस पर स्थित है। दक्कन ट्रैप शेल किस पठार पर पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैप शेल जो है वो मालवा के पठार पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा जिले की स्थापना कब की गई? तो ये करी गई थी 15 अगस्त 2013 को। मध्य प्रदेश का जो नवीनतम जिला है यानी कि 52वां जिला है वो कौन सा हो गया? निवाड़ी। अगला प्रश्न जो है हमारा, आगर मालवा किस जिले से पृथक होकर बनाया गया था? तो आगर मालवा जो है वो शाजापुर जिले से पृथक होकर बनाया गया था। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के किस स्थान को राजस्थान राज्य के कोटा में सम्मिलित किया गया? तो ये थी सुनील टप्पा। ठीक है, ये भानपुरा तहसील का स्थान था जिसको राजस्थान राज्य का जो कोटा है उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। भानपुरा तहसील में, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, भानपुरा में दो आर्कियोलॉजिकल साइट है यानी कि पुरातत्व से संबंधित दो साइट है। ठीक है, भानपुरा तहसील में तो एक है चतुर्भुज नाला, ध्यान रखें आप इसको, चतुर्भुज नाला, और दूसरा जो है वो है सीता खर्डी या खर्दी के नाम से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो सीता खर्डी ये आर्कियो रॉक शेल्टर्स एक्चुअली यहाँ पर हैं। ठीक है, रॉक शेल्टर्स जैसे भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स हैं वैसे ही रॉक शेल्टर्स आपके यहाँ पर हैं सीता खर्डी में, और चतुर्भुज नाला भी है जो आपको भानपुरा तहसील से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो ये प्रतिहार नरेश थे कीर्तिपाल, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में सम्मिलित किया गया है? तो ये कोटा जिले की थी राजस्थान की सिरोंज तहसील, इसको अब विदिशा में सम्मिलित कर लिया गया है। ज्वाला ऋषि की तपोभूमि कौन सी है? तो ज्वाला ऋषि की जो तपोभूमि है वो है आपका जबलपुर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महू में स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय संस्थान का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उन्नति के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर के महू में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय संस्थान, ये याद रखें आप यहाँ पर, और इसका उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में किस वर्ष की गई थी? तो ओपन, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी 1991 में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो आपका यहाँ पे इटारसी है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो रीवा होना चाहिए। ठीक है, रीवा में एशिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना अभी करी गई है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। अगला प्रश्न जो है हमारा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो कही जाती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, देवास में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी?
तो बैंक नोट प्रेस जो है आपकी, इसकी स्थापना करी गई थी 1975 में। छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति का निवास है? तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में जो जनजाति है वो है आपकी भारिया जनजाति। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, धार जिले के विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं बौद्ध भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, बाघ की गुफाएं धार जिले में है, याद रखें आप। अच्छा, गुफाओं से संबंधित भी हम एक वीडियो बनाया था हमने आपका, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका जो एमपी जीके की प्लेलिस्ट है, मध्य प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैग्नीज के विपुल उत्पादन के कारण मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मैग्नीज जो सबसे ज्यादा होता है बालाघाट में होता है, और इसलिए इसको मैग्नीज नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं? तो 6 जिले हैं, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी। ये छत्तीसगढ़ से इनकी जो सीमा है वो टच होती है, और इससे संबंधित भी वीडियो मैंने बनाया था मैप के साथ, वो भी आप देख सकते हैं एमपी जीके बिट्रिक्स में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को छूते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टोटल 13 जिले हैं जो आपके मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छूते हैं। ठीक है, राजस्थान के 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, गुजरात के 2 जिले हैं जो राज्य की सीमा को छूते हैं। अगला प्रश्न है, रेल के डिब्बों का निर्माण हेतु रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है आपकी भोपाल में स्थित है। बुधनी का रेलवे स्लीपर का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका सीहोर में। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दर्ज किया था? तो बुधनी से इन्होंने नामांकन दर्ज किया था। अगला प्रश्न है, बुधनी किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका सीहोर में। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला चुनाव कब लड़ा था? तो ये लड़ा था इन्होंने 1990 में। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किस प्रत्याशी ने बुधनी से अपना नामांकन दर्ज किया था? तो यह है अरुण यादव। अगला प्रश्न है, बावनथड़ी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है आपकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला मध्य प्रदेश का जो जिला है वो है आपका बालाघाट। गजराज चिकित्सा महाविद्यालय, ये गजरा राजा है एक्चुअली, ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। आदिवासी शोध के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर है आपका अमरकंटक, जो आपका अनूपपुर जिले में आता है। मध्य प्रदेश की व्यवसाय एवं खेल राजधानी, तो ये है आपकी इंदौर, जिसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी या फिर खेल राजधानी भी कहा जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल। ठीक है, याद रखें आप, स्पोर्ट्स कैपिटल इसको कहा जाता है। प्रेम प्रसंग पर आधारित बलमा नृत्य किन आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो बलमा नृत्य जो है वो बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा, उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो चिकित्सा से संबंधित अभी मध्य प्रदेश के किस जिले में एक उत्कृष्ट खोज हुई है, एक उत्कृष्ट ऑपरेशन जिसको आप समझ सकते हैं वो हुआ था, तो आप बताएं जरूर, जबलपुर में हुआ था, वो किससे संबंधित था, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप करंट अफेयर की वीडियोज देखते हैं तो जरूर आप मुझे बताएंगे। राज्य में कैंसर चिकित्सा एवं शोध संस्थान 1977 में किस स्थान पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ग्वालियर में। ध्यान रखें, दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये कैंसर इंस्टीट्यूट और ये है आपका शोध संस्थान। कुछ मतलब कैंसर पे जो शोध होता है, रिसर्च जो होता है, वो आपका यहाँ पर है ग्वालियर में। शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो शिवपुरी जिले का जो सुल्तानगढ़ जलप्रपात है पार्वती नदी पर बनाया गया है। डुमना जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो ये कर दिया गया है अब रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। जौरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है संबंधित आपका बुंदेलखंड से। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका मुरैना जिले में। राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो कुल विधानसभा सीटें हैं 230। ठीक है, इसके अलावा एक वो एंग्लो इंडियन जो होता है उसके लिए आपकी एक सीट होगी, तो टोटल अगर बात करते हैं तो 231 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 20 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की हैं। कुल राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की 11।
राजकीय पक्षी शाहे बुलबुल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है? तो सरदारपुर अभयारण्य में शाहे बुलबुल का संरक्षण किया जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सरदारपुर जो अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गाइज ये थे हमारे पूरे प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।